लोधी साहब, ये अदारा है जहाँ से आपने जी आगाज़ किया? जी बिल्कुल, यहाँ से। बताइए इस अदारे के बारे में। डॉक्टर साहब, ये अदारा मैंने 1992 में शुरू किया था। उस वक्त एक प्राइमरी अदारा था, ये प्राइमरी स्कूल की हद तक था। फिर अल्लाह ने कामयाबी दी, ये अपग्रेड हुआ, मिडिल स्टैंडर्ड तक चला गया, और उसके बाद फिर ये अब हाई स्कूल है, और यही मेरा सब कुछ है। कितने बच्चे इधर पढ़ते होंगे? अब तकरीबन 700 बच्चे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो शमा जो आपने 30 साल पहले जलाई थी, वो एक छोटी सी रोशनी की किरण जो लोगों को दिखाई, आज माशाल्लाह बहुत एक बुकाए नूर बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है? बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने स्टूडेंट्स को मैं ज़िंदगी में कामयाब देखता हूँ। इस इदारे से फारग तहसील बच्चे जो हैं, वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ब्यूरोक्रेसी में है, आर्मी में है, इवन के मेरे एक स्कूल की बच्ची पार्लियामेंटेरियन भी बनी। पिछले सेशन में वो मेंबर सूबाई असेंबली थी, मदिया राणा, मेरे स्कूल की यहाँ से पढ़ी हुई बच्ची। आपको किसी फिल्म में ऑफर आए, फिल्म में काम करने की, हीरोइन लेना किसे पसंद करेंगे? चार पांच नाम गिनवा देता हूँ, मैं तो वही नाम लेता हूँ हर दफ़ा, क्योंकि शायद मुझे खुद यही पसंद है। और वैसे भी आजकल वही उन्हीं का दौर चल रहा है। हिबा बुखारी हैं एक, और कुबरा खान हैं, मायरा खान हैं, आयजा खान, खान लोग छाए हुए हैं, एक बुखारी साहब हैं। अब मैं चूँकि इनसे नावाकिफ हूँ, अगर आप मेरे दौर का पूछें तो फिर मैं कहूँगा शबनम। हाय 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 हाय, वाह क्या बात है, बहुत अरूज देखा, क्या कमाल की एक्टिंग, कमाल, वो क्या दौर था, क्या बात है। अच्छा, कव्वाली भी कभी सुनी? जी कव्वाली भी सुनी। कव्वाली में किसको पसंद किया आपने? बख्शी सलामत। क्या बात है, आपकी पसंद निराली है सबसे। सुरीले लोग थे, सुर वाले लोग थे, लय वाले लोग थे। क्या बात है, क्या बात है। शेर व अदब में किसे पसंद किया? शायरी किस? शायरी यकीनन मुझे इकबाल की पसंद है, और इसके अलावा मोहसिन एहसान। ओके, आपकी सारी पसंद डिफरेंट है। तो पाकिस्तान के सियासतदानों को देखें तो एक तो मैं पहले ही बता देता हूँ, चौधरी परवेज़ अलाई तो आपके लीडर हैं, वो तो आपको पसंद होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको इम्तहान से निकाल लेता हूँ, पहले ही कर दिया। उनसे पहले अगर हम पीछे की तरफ जाएं, अब तक 75 ईयर्स में कौन अच्छा लगा? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्यों? बहुत बड़ा लीडर था, विजनरी लीडर, जो आज तक उसके बाद पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बहुत खिदमात हैं उनकी, बहुत कुर्बानियाँ हैं यकीनन पाकिस्तान के लिए। आमरियत के सामने डट जाना, यही सबसे बड़ी उनकी एक कुर्बानी है, और यही सबसे बड़ा एक काम है। सर सैयद सेकेंडरी स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी पहुँचे हैं, जहाँ बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे सदाकत लोधी साहब, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। आइए। मैं
وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اس لیے انتہائی مختصر طور پہ اپنی طرف سے عقیدت کے چند پھول جو میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ڈاکٹر صاحب لکھے تھے وہ اس نعت کے تین اشعار کہ ہماری محبت کی بستی بسا دو آقا اپنی نظر کرم ہم پہ جما دو بڑا شوق ہے آقا قدموں کو چوموں مدینے میں میرا بھی مسکن بنا دو اور صداقت جہاں کو جو بخشے صداقت صداقت کو تیری جو قربت عطا ہو تو یہ ماہ مبارک اس ہستی کی آمد اس ماہ میں ہوئی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے اس وقت پنجاب میں موسم اعتکاف کی تو آپ کی لیڈرشپ آپ کے جو آدرش ہیں آپ کے جو خواب ہیں نظریات ہیں کبھی وہ اپنی لیڈرشپ تک پہنچائے کبھی اپنے مطالبات کی شکل میں ان کو مشورہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے جی بالکل میں مسلم لیگ کاف کا جب سیکرٹری انفارمیشن تھا شہر کا اس وقت جو صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی تو اس وقت بھی قیادت کے ساتھ میری بات ہوتی تھی اس حوالے سے اور چوہدری صاحب نے کچھ چیزوں پہ خاص طور پہ یہ جو ریسکیو 1122 ہے تو جب یہ شروع کی تھی اس میٹنگ میں بھی میں تھا اور اس کے بعد پھر اب بھی چوہدری مونس الہی صاحب نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی ایکو فرینڈس کے نام سے اس میں وہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یا اس طرح کی جو مشورے ہیں وہ لیتے ہیں اس لیے مجھے یہ مایوسی نہیں کہ میں اپنی قیادت تک بات نہیں پہنچا سکتا یا نہیں پہنچائی لیکن موجودہ حالات میں کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں آپ اپنے خوابوں کو اپنے نظریات کو کتنا کس حد تک عملی جامہ پہنا سکتے ہیں وہ آپ کو بخوبی علم ہے لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں چونکہ میں ایک حساس آدمی ہوں وہ میں اپنی قیادت تک پہنچاؤں گورنمنٹ پرائمری اسکول 104 جے بی پہنچے ہیں یہ پیما اتھارٹی کے تحت چلنے والے اسکول ہیں جس کی مینجمنٹ صداقت حسین خان لودھی صاحب کے پاس ہے ایک بھوت بنگلے کی سی شکل والے اسکول گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو جب دیے تو اس کے بعد اس کی کیا حالت کی اس کو کس طرح ڈیولپ کیا اور آج کل وہ کس طرح سے بہت بڑی تعداد میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس اسکول پہنچے ہیں آئیے آپ کو لے چلیں لولی صاحب اسکول کے بارے میں بتائیں کس حالت میں آپ کو ملا اور اس وقت تو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے درخت ہیں اور اس کو پینٹ کیا گیا ہے یا کلی وغیرہ جو کی جاتی ہے اور بہت خوبصورت ہے رنگ و روغن کیا ہوا ہے بچے بہت پڑھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں تو یہ گورنمنٹ نے آپ کو کیسے دے دیے اتنے اچھے اسکول جی یہ آپ کو اب جیسا نظر آ رہا ہے اسکول یہ ویسا نہیں تھا یہ ڈاکٹر صاحب سابقہ گورنمنٹ نے یہ پنجاب کے تقریباً کوئی 4300 اسکول ہیں جو بالکل تباہ حال تھے برباد ہو چکے تھے جن کا انفراسٹرکچر ختم ہو چکا تھا جہاں پہ صرف ٹیچرز سیلری لے رہے تھے گورنمنٹ کے بچے نہیں تھے یہ اسکول بھی ان اسکولوں میں سے ایک ہے یہ 104 جیم بے گورنمنٹ پرائمری اسکول یہ مجھے بدقسمتی سے کہہ لیں خوش قسمتی سے کہہ لیں کہ یہ مجھے الاٹ ہوا جب پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دیے
2016 में मुझे ये स्कूल मिला था। ठीक। और उस वक्त अगर आप इसकी हालत देख लेते तो यकीनन आप खून के आंसू होते कि गवर्नमेंट के जो ये स्कूल्स हैं उनकी ये हालत की हुई है लोगों ने। और क्या गवर्नमेंट मतलब ये चार दीवारी नहीं थी, जब बना था कभी इसकी चार दीवारी थी, लेकिन उसके बाद इसकी ईंटें भी लोग ले गए। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये नहीं थी, ये पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये नहीं थी, ये वाली बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ कूड़ा स्टैंड था और यहाँ लोगों ने अपनी भैंसें बकरियाँ बांधी हुई थी, जानवर बांधे हुए थे। यहाँ पे एक टीचर वो अपॉइंट था गवर्नमेंट का, जो 40-50 हज़ार सैलरी लेता होगा उस वक्त, लेकिन बच्चे यहाँ बाज़ाहर कोई नहीं थे, लेकिन रजिस्टर में मुझे 12 बच्चे मिले कि यहाँ जिनकी हाजिरी लगती थी। कोई फर्नीचर नहीं था यहाँ पे। और फिर ये पीछे जो कमरे हैं दो ये थे और इनकी हालत भी इतनी ख़राब थी कि इनमें ना बैठा जा सकता था, यूँ लगता था कि ये जैसे अभी ये गिर जाएंगे। इनकी हालत इस तरह की थी। अब तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरती है, आप देखें जी। फिर इस पर काम किया आपने, मेहनत की है इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे कोई बच्चा नहीं था अब यहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा? 500 से ज़्यादा बच्चे हैं। जी, इस वक्त हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 104 जीएमबी में मौजूद हैं और मास्टर मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने खाने का अहतमाम किया है, नंबरदार फैमिली से ताल्लुक़ है, रिटायर्ड टीचर हैं। मास्टर मंजूर साहब से जानते हैं कि वो चश्मदीद गवाह होंगे कि यहाँ जो कुछ हुआ, जिस तरह एक स्कूल बिल्कुल एक कूड़े के ढेर से जिस तरह इतना शानदार स्कूल बन गया, उसके हवाले से जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि आपने तो स्कूल को बुरी हालत में भी देखा और अब एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्कूल भी नज़र आ रहा है जी, तो ये आपने क्या देखा था? ये पहले जो स्कूल था ना, यहाँ लोग जानवर बांधते थे, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब बहुत खूबसूरत है। तो इसका सेहरा किसके सर बनता है? लोधी साहब के सर। तो अब गांव के लोग जो हैं वो तो बहुत खुश होंगे इस पे। बिल्कुल बहुत खुश हैं। यानी सब कुछ बदल के रह गया? बहुत कुछ बदला। जब कोई नया आदमी आता है वो कहता आपने तो हुलिया ही बदल दी। चनियोट इस्लामिया स्कूल पहुँचे हैं, जहाँ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में शिरकत करनी है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन खान लोधी साहब को। आइए मीटिंग में चलते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के बारे में हमारे जहांगीर अशरफ साहब हमारे एजुकेशन की बीट करते हैं, बहुत अरसे से खबरें दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हम अपने चैनल की स्क्रीन के ज़रिए आप सब लोगों से अच्छी तरह मुतारफ हैं, बाज़ दोस्तों से मुलाकात भी होती रहती है, आपकी एक्टिविटीज़ का भी पता चलता रहता है और आपके सालाना जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है उसके बारे में भी आगही होती है। यकीनन एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसके साथ सैकड़ों स्कूल वाबस्ता हैं और हज़ारों बच्चे और उनके उनसे वाबस्ता टीचर्स, फिर वालदेन का ताल्लुक किसी ना किसी शक्ल में बन जाता है। उनकी लीडरशिप के हवाले से आपके ख्यालात भी हम तक पहुंचने चाहिए, व्यूअर्स तक जाने चाहिए।
तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं सबसे कि एक एक दो दो जुमले लोधी साहब के हवाले से कहिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम उनके साथ है। आपकी नज़र में वो कैसे हैं? सदाकत साहब एक जानी पहचानी और मानी हुई शख्सियत हैं, और इनके नाम का असर इनकी ज़ात पर बहुत है। तो हम यही समझते हैं कि जैसे नाम है वैसे ये ख़ुद अजीम है। सदाकत साहब के लिए जी, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज्मो हक बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जहाँ हमने देखा कि मोहब्बत से काम चलता है, वहाँ ये मोहब्बत से काम चलाते हैं। दोस्तों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, और जहाँ हक बात कहनी हो तो वहाँ डट भी जाते हैं। और लीडरशिप की यही क्वालिटी जो है उसको असल में लीडर बनाती है, कि आप हक बात कहते हुए डरते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर के लिए कुछ कहना, वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी जेब नहीं देता है कि मैं इनके लिए कुछ कह सकूँ। इनको डिस्क्राइब करना, इनकी पर्सनैलिटी को, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन मैडम शाजिया के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं शेर का सहारा लूँगी। ज़माना भुलाता नहीं है जिनको सदियों तक, ज़माना भुलाता नहीं है जिनको सदियों तक, ज़मीन की गोद में वो आफ्ताब भी होते हैं। तो सर जो हैं वो हमारे लिए एक आफ्ताब हैं, जिनकी रोशनी के सहारे जो है वो हम चल रहे हैं। सर की शख्सियत जो है वो एक रिमार्केबल शख्सियत है, हमेशा हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर भी हमें जहाँ कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, सर ने हमारी हर तरह से सपोर्ट की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत लोधी साहब ने जो खिदमात फैसलाबाद में एजुकेशन सेक्टर में और उसके साथ साथ सोशल वर्क में अदा की हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम लोगों की हैं, बल्कि है ही नहीं। और लीडर में यही खूबी होती है कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर का एक काम शुरू किया, इसकी खिदमत के लिए काम किया और दिन रात एक किया, और उसमें अपने आप को मनवाया जो एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ सोशल वर्क में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लोधी साहब की ज़िंदगी के उस हिस्से पर रोशनी डालना मुनासिब समझूंगा जिस पर किसी ने नहीं डाला, वो है इनका बचपन। कि हम स्कूल में इकट्ठे थे और इनकी ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वहाँ हमें स्कूल में भी नज़र आती थी, कि ये हमारे साबरिया सराजिया स्कूल बैंड जो पूरे पंजाब में जिसकी पोजीशन होती थी उसके भी ये हेड थे, क्रिकेट टीम के भी ये माशाल्लाह, और स्काउटिंग में भी माशाल्लाह इन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी एवार्ड जो है वो इन्होंने हासिल किया था। माशाल्लाह लोई साहब ने जब भी इनको पुकारा और किसी महाज पे पुकारा, माशाल्लाह ये आए हैं, ये जितने अच्छे हैं, बल्कि मैं ये इनको कहता हूँ आप अच्छे नहीं, आप सारे के सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। कभी जितने ये नज़दीक से अच्छे लगते थे, दूर से भी अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस बिलाशुबा फैसलाबाद के तालीमी इदारों का एक बहुत खूबसूरत और हसीन गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते को सजाने में सर सदाकत हुसैन लोधी साहब की लीडरशिप और उनकी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा किरदार है। स्कूलिंग के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां और टेंशन थी, लेकिन जैसे ही अलायंस को ज्वाइन किया तो सारी मुश्किलात जो थी वो रफ़ा हो गईं। सदाकत हुसैन लोधी साहब एप्सा के साथ तो इनका तारुफ है ही, एप्सा ने तकरीबन शहर का 50% स्कूलिंग का बोझ उठाया हुआ है, जिसको सरकार भी अप्रीशियट करती है, प्राइवेट सेक्टर भी अप्रीशियट करता है। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि सदाकत साहब अपनी ज़ात में ख़ुद एक अंजुमन है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल फोरम के प्लेटफॉर्म पे आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस जो है एक वाहिद ऐसी तंजीम है जो प्राइवेट स्कूल्स के जिन मसाइल, हर तरह के जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे हल करवाने के लिए सदाकत साहब जो है उनको लीड करते हैं। सदाकत साहब माशाल्लाह एक ग्रेट लीडर हैं, और जब से मेरा इनके साथ वास्ता है मैंने तो ये फील किया है कि अपना लॉस करके दूसरों का फ़ायदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाकत साहब की शख्सियत फैसलाबाद में एक मायने रखती है। मैंने पिछले 10 साल से, जब से मैंने ये स्कूल लाइन ज्वाइन किया है, तो मुझे लगा है कि ये फैसलाबाद के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एक ऐसी शख्सियत की ही ज़रूरत थी जो एक लीडरशिप में होनी चाहिए, और जो सदाकत साहब में है। आखिर में लोधी साहब से जानते हैं कि वो अपने कोलीग्स के बारे में जिनके साथ मिलकर वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनका क्या कहना है? जी लोधी साहब। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस
ये सिर्फ सदाकत लोधी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ख़ूबसूरत जो टीम आपके सामने यहाँ बैठी है, या जो हमारे अदर्स मेंबर्स हैं जो इस मीटिंग में नहीं आ सके, प्राइवेट स्कूल्स अलायंस इन दोस्तों का, इन अहबाब का नाम है। और ये सारी कामयाबियाँ एक टीम वर्क के तौर पे हमें नसीब होती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको अच्छे साथी मिल जाएं, अच्छे दोस्त मिल जाएं, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। तो ये परवरदिगार का बड़ा एहसान है मुझ पे कि मुझे प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म पे ऐसे साथी मिले हैं जिनको आप जानिसार कह सकते हैं। और इन्होंने साबित किया है कि वो अगर अपने इदारों में प्रिंसिपल हैं तो किसी प्रोग्राम में जो प्राइवेट स्कूल्स अलायंस का है, उनकी ड्यूटी ऐसी जगह पे लगा दी जाए जहाँ कहीं स्टूडेंट को भी खड़ा होना जो वो अपने लिए शायद अजीब समझे। तो ये वो साथी हैं कि ये वो ड्यूटी भी बड़ी ऑनर के साथ, बड़ी इज्जत के साथ और बड़े मान के साथ परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी ऑफिस पहुँचें जहाँ मंजूर अहमद मलक नए डीओ सेकेंडरी को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश करेंगे। जी मलक साहब, बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई है आप माशाल्लाह यहाँ पे डीओ सेकेंडरी आपने चार्ज लिया है। आप एक वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं और हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि आप जिला फैसलाबाद के लिए एज अ डीओ सेकेंडरी जो आपकी सलाहियतें हैं उनको पूरे कर लाएंगे और हमारा फैसलाबाद जो है वो ग्रेडिंग में इंशाल्लाह अब मज़ीद बेहतर होगा। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका सदाकत हुसैन लोधी साहब और आपके साथियों का, जो अरसा दराज से ज़िला फैसलाबाद में एक इल्म अदब से आगही वाली शख्सियत के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। और ज़िला फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर साहब के लेवल के ऊपर कमेटियां हों जो तालीम और तदरीस के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर की मुआवनत के लिए उन्होंने और सीओ साहब ने जो बनाई हैं, उनमें भी आपका नुमाया किरदार रहा है। और नेशनल काज के लिए भी जितने टास्क डिप्टी कमिश्नर साहब को, सीओ साहब को मिले हैं, आपके इस साथियों के तदरीसी फाउंडर ग्रुप ने जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के नुमाया और कसीर तादाद के इदारा जात के ऊपर मुश्तमिल है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी सैलाब ज़दगान की इमदाद में भी आपका बड़ा किरदार रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं और मैं आपकी टीम का एक हिस्सा बना हूं। और हम मिल के इंशाल्लाह फैसलाबाद के तालीमी और तदरीसी माहौल को आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बनाएंगे। जो हमने ख़ुद सीखा, जो तरबियत हमने पाई, वो हम आगे पहुँचाएँगे। इलाके की मुमताज़ सियासी शख्सियत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़मान ख़ान नियाज़ी अलील हैं, उनकी अयादत के लिए उनकी रहाइशगाह पर पहुँचे। ज़ुल्फ़कार कॉलोनी पहुँचे हैं। ज़ुल्फ़कार कॉलोनी में एक सियासी बैठक है जहाँ इस वक्त कुछ पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं। यहाँ सियासी गपशप होती है, हालांकि सियासी इख्तलाफ राय है इनका, लेकिन एक बाहमी इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक कायम है और उसी सियासी डेरे पर सियासी गपशप के लिए पहुँचे हैं।
बहुत जोशीले कारकुन हैं पीटीआई के, और इनकी बातें अभी सुनी हैं, इनके साथ बहस की है, बड़ा मज़ा आया। इनके व्यूज़ से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इनकी सिंसेरिटी जो है उस पर शक नहीं किया जा सकता। सदाकत लोधी साहब के साथ किस तरह से इनका ताल्लुक है, क्यों उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये इनसे जानते हैं। जी कुछ कहिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम हुसैन मेरा नाम है सर। सदाकत लोधी साहब हमारे टीचर भी हैं, हमारे उस्ताद हैं, और सियासी वाबस्तगी इसलिए है कि मतलब ये काफली के हैं तो हम पीटीआई के ज़रूर हैं, लेकिन मतलब जो परवेज़ अलाई साहब ने काम किए हुए हैं, मतलब पुराने काम किए हैं, उनकी वजह से पीटीआई। और दूसरी बात है कि पीटीआई और काफली का आपस में इत्तेहाक है, ठीक है। तो बाकी लोधी साहब हमारे उस्ताद भी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारी नज़र में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ यासिन है, मैं सीसी बानू का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, मियाँ फ़र्क भी मियाँ वारजीज़ का। ये लोधी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, मेरा इनसे तकरीबन 22-23 साल का वास्ता है, और मेरे ख्याल रात 2 बजे भी काम का लोधी साहब अगर फ़ोन अटेंड नहीं कर, रिंग बैक की है। जितने काम एज ए सिटी नाजम मुमताज चीमा साहब के दौर लोधी साहब ने कराया, हमारे इलाकों के लिए किसी इंसान ने नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफीक, राणा मोहम्मद शफीक मेरा नाम है। मैं यहाँ इस वक्त चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी भी हूँ। पहले मैंने यहाँ इलेक्शन भी लड़ा हुआ है वाइस चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, लेकिन सदाकत लोधी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम टीचर हैं। इन्होंने हमने इनसे सियासत सीखी, जो भी सीखा इनसे, ये हमें गाहे बगाहे गाइड करते रहते हैं सियासत के मुतल्लिक। आखिर में लोधी साहब आप अपने दोस्तों के बारे में कुछ कहिए, आपने बातें सुनी, इख्तलाफ राय सियासी नुक्ता नज़र के इख्तलाफ के बावजूद आपके साथ इनकी बड़ी खसूसी एसोसिएशन है, ये इस प्यार मोहब्बत की बुनियाद क्या है? जी प्यार मोहब्बत की बुनियाद सबसे पहली तो ये जो इन दोस्तों ने बच्चों ने सब ने बताया है कि ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, और चूंकि मैं उम्र में इनसे बड़ा हूँ और सियासत में भी जो मेरी एज है वो इनसे ज़्यादा है, हमने एक अरसा इकट्ठे काम किया है मुस्लिम लीग का के प्लेटफॉर्म से, और उसमें ये सारे साथी जो हैं ये सब इकट्ठे थे, और ये वो लोग हैं, ये वो साथी हैं जो जिनमें आप कह सकते हैं कि इनमें एक हुब्बुल वतनी का जज्बा है, और ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिशियन जुल्म और ज़्यादती करता है या वो मुल्क और कौम के साथ करता है, तो ये समझते हैं कि हमें उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए। कोई आखिर में मैसेज आप कुछ देना चाहें व्यूअर्स को हमारे, कि प्रोग्राम के अख्ताम पर कोई ख़ास बात, कोई ख़ास पैगाम? मेरा पैगाम बहसियत एक पाकिस्तानी के, मैं बहसियत एक पॉलिटिशियन के नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी के एक ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये मुल्क पाकिस्तान, ये वतन अजीज़ बहुत कुर्बानियों के साथ, बहुत कुर्बानियाँ दे के ये हासिल किया गया है, और इसको बचाने के लिए अब मज़ीद कुर्बानियों की ज़रूरत है, और हमें इन कुर्बानियों से दरेग नहीं करना चाहिए। इस पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, इस पाकिस्तान को हमने बचाना है, हमने अपनी नस्ल नौ को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देना है। तो मैं अपनी कौम से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि जुल्म और ज़्यादती के सामने हमेशा खड़ा हो जाना चाहिए। आप जिसको देखें कि वो मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है तो उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा होना चाहिए। जी ये थे सदाकत हुसैन खान लोधी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस और प्रेसिडेंट PMLQ, इस शहर के दानिश्वर। आपने उनकी बातें सुनी, उनके ख्यालात सुने, उनकी दिन भर की एक्टिविटी देखी, यकीनन बहुत कुछ आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं, एक हमाजहत शख्सियत जो बयक वक्त सियासी कारकुन भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं भरपूर, और एक शेर व अदब से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसके साथ साथ वो तालीम के मैदान में बहुत सरगर्म हैं। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन खान लोधी, आइए उनसे मिलते हैं। लोधी साहब, आप इसी घर पे पैदा हुए? जी बिल्कुल इसी घर पे। और इन्हीं गली मोहल्लों में पल बढ़कर जवान हुए, यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की? जी बिल्कुल इसी। और फिर कहाँ तक तालीम हासिल की और क्या कुछ किया? जी मैंने लॉ किया, साथ BUMS किया। तिब हमारा चूँकि ख़ानदानी पेशा है, तो हमारे ख़ानदान में हिकमत जो है ये सारे पढ़ते हैं तकरीबन। नहीं, ये कोई मतलब बाकायदा जिस तरह वो पुराने हुकमा होते थे कि उस तरह की हकीमी आप करते हैं या तिब उससे वाबस्ता हैं या फिर ऐसे जैसे गली मोहल्लों में बहुत सारे मिल जाते हैं? हमारा तकरीबन 300 सालों से इससे भी ज़्यादा टाइम है हिकमत में। अच्छा, कई पुश्तें हमारी पुश्तों से चलता आ रहा है हिकमत। अच्छा, यहाँ फिर आपने जो बचपन आपका गुजरा एक हकीम घराने में, फिर आपकी खुराक पर तो बचपन से ही तवज्जो दी जाती रही होगी? जी बिल्कुल, उसमें एक ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो सेहत के लिए मुज़िर होती हैं या जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना वो मुज़िर होता है, उनका अंदाज़ा हो गया कि वो चीज़ें जितनी बॉडी बर्दाश्त करती है उतनी ही खानी है। ये हमारे पेरेंट्स की तरफ से, वाले साहब की तरफ से, मतलब ये बच्चों को समझा दिया जाता है। रूटीन में ही ऐसे होता है। वेरी गुड, ये तो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि हमें तो किसी को पता नहीं होता बच्चों को खाना क्या है नहीं खाना। आज की नस्ल तो बस वो जंक फूड ले रही है और पिज़्ज़े बर्गर शवार में पता नहीं क्या कुछ, और बनती भी वही जा रही है ना जी, और वही बर्गर ही बनते जा रहे हैं, बीमारियों का सामना करने के काबिल रहे नहीं। अच्छा, कैसा गुजरा बचपन, हंसते खेलते शरारतें करते? जी बिल्कुल, मैं बचपन में शरारती था। कोई गेम वगैरह भी खेलते रहे? जी क्रिकेट खेली है मैंने। ओके, आपको अपने कद का भी बड़ा बेनिफिट होगा। जी मैं फास्ट बॉलिंग करता था। ओके, अच्छा, फास्ट बॉलर्स के अक्सर के जो हमने देखे जो वो इमरान खान के फ़ैन होते हैं, आप भी कभी ज़माने तालिबे इल्म में या जब आप खेला करते थे इमरान खान से मुतासर रहे? इमरान खान यकीनन हर दौर में मुतासर करते रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं सिकंदर बख्त से मुतासर था। मेरी फिजिक वो थी। आपकी सारी पसंद मेरा ख्याल हमसे ऑफ द रिकॉर्ड आपसे जो पूछते रहे हैं, लेकिन शायद आज प्रोग्राम में भी पता चल जाएगा आपकी पसंद का, तो लगता है आपकी सारी पसंद डिफरेंट ही होगी। हो सकता है ये। आजकल तो हमने जब से आपको देखा संजीदा ही देखा, बचपन भी ऐसा था? नहीं, बचपन बिल्कुल ऐसा नहीं था। संजीदगी ये मेरा ख्याल एज के साथ आई है, वरना मतलब मैं स्टेज पे भी काम करता था अपने स्कूल लाइफ में। इसमें कोई गमें दौरा गमें जाना का कोई दखल है आपके अब संजीदगी जो ज़्यादा आ गई? नहीं ये नहीं, बस आ गई। फिर पॉलिटिक्स में भी आए? जी पॉलिटिक्स में भी आया। अब प्रेसिडेंट हैं PMLQ के? जी बिल्कुल। और बहुत बड़े एक तालीमी बॉडी जो है जो शहर में इल्म की रोशनी फैला रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों से वाबस्ता हैं, जिस तंजीम के आप चेयरमैन हैं, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस। जी बिल्कुल, इल्म अदब भी आपके घर की लौंडी कहा जाएगा, मुताले का भी शौक़ है, हिकमत भी, लॉ भी, ये सारा कुछ इतने शौक कहाँ से चुराए? बचपन से ये चीज़ें चुराने की आदत थी। ओके,
किताबें पढ़ता था मैं, लिटरेचर पढ़ता था, पोइट्री पढ़ता था मैं, और मैं हमेशा अपनी एज से ज़्यादा जो लोग हैं उनमें बैठा हूँ। बचपन में भी मैं अपनी एज से ज़्यादा लोगों में बैठता था, उनसे सीखता था। और फिर अपनी एज से ज़्यादा अकल पाई, ये तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल शऊर तो है। बस ये है कि अगर आप अपनी कंपनी से बंदा पहचाना जाता है, जिस कंपनी में आप रहें उसका असर होगा और उसी से ही आप हासिल करेंगे। तो यकीनन मेरी कंपनी जो है वो बड़े लोगों के साथ रही है जो एज में बड़े थे। वो कहते हैं कि वेले नालों अगे लंघन की सज़ा, बंदा कल्ला रह जाता है। तो मेरे ख्याल आप बड़े लोगों के उम्र में जो आपसे बड़े थे उनके तजर्बात भी आप जल्दी जल्दी सीख लिए। जी बिल्कुल, तो अपनी उम्र के लोगों से आगे गुजर गए। अब बस कहा जा सकता है यकीनन बंदा सीखता ही उनसे, ज़िंदगी में उनके तजुर्बात ज़्यादा होते हैं, छोटू के कम होते हैं। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई है जी 93 में। जबर की शादी थी? नहीं। पसंद की थी? नहीं। क्या थी? बस जैसे हमारे माशरे में होती है। हमारे माशरे में कैसे होती है? माशरे में वालदैन के कहने पे। जो अन्नी काने कबूल, वैसे जो कहते हैं बस, वो देखा भी नहीं होता, हो गई। हाँ जी हाँ, मैंने देखा भी नहीं था। कमाल, ये मुहावरा ऐसे नहीं बना, वो इसलिए बना कि वो दिखाते है नहीं, पता चलता नहीं आगे क्या होगा। तो बस नहीं, अच्छा ही हुआ जो है कबूल है। अच्छा ही हुआ। तो कोई पछतावा तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पछतावा नहीं। ये उनको उनको हो सकता है, मुझे नहीं। नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं सदाकत हुसैन खान लोधी और उनके साहबजादे कंबर अली खान लोधी, उनके भतीजे मौजूद हैं और इस शहर के एक बहुत बड़े खिदमतगार ही कहूँगा मैं, क्योंकि जब से वो फैसलाबाद आए हैं उन्होंने शहर में एक नया कल्चर दिया लोगों को फिट रखने का। नईम योगी, योगी नईम जो हैं ये हमारी स्क्रीन पर अक्सर आप देखते होंगे, वो सदाकत साहब को भी योगा करवाते हैं। और सदाकत साहब का कहना है, लोधी साहब का, कि जो इनके साथ मसला एक हुआ था कोरोना की वजह से, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग इनके पाँव पे रहने लगी थी, तो ये कहते हैं कि दूसरे दिन ही ठीक हो गई जब नईम साहब ने इनको देखा और कोई योगा करवाया। तो ये बातें तो खैर करेंगे, लेकिन सरदस्त हम सदाकत हुसैन खान लोधी साहब की जो पसंद नापसंद खाने पीने के हवाले से है उस पर बात करेंगे। लोधी साहब क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, सुबह का आगाज़ कितने बजे हो जाता है? सुबह मैं अर्ली उठता हूँ जी, सुबह नमाज़ पढ़ता हूँ और तलावत करता हूँ, उसके बाद मेरे दिन का आगाज़ हो जाता है। नाश्ता मेरा बड़ा मुख्तसर सा है। मुझे तो लगता है ये इतने अंडे शंडे सारे आप अपने लिए बनवाए। मैंने अभी मुख्तसर कहा, आपने पूछा नहीं कि क्या करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? मुख्तसर में मुख्तसर में सर, मेरे ये मैं सफ़ेदी चार अंडों की लेता हूँ। अच्छा, ये कोरोना के बाद, चूँकि ये डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि ये करें, एक मैंने फ्राई लेना, दो स्लाइस लेने और चाय का एक कप, ये मेरा नाश्ता है। ओके, तो कभी खुद ज़िंदगी में बनाया नाश्ता? खुद अक्सर खुद बनाता हूँ। घर वाले नहीं देते? क्या मतलब, कुछ नाराज़गी? नहीं, मेरा टाइम कुछ अजीब सा होता है नाश्ते का, इसलिए फिर बाज़ औक़ात मुझे खुद बनाना पड़ता है। तो खाना भी कभी कभी खुद बना लेते? खाना बना लेता हूँ लेकिन बड़ा कम बनाता हूँ और अच्छा बनाता हूँ। मेरा ख्याल है चूँकि शक गुजरा कि आप कहीं, मैं ये ना कहता, अब तो पक्की बात है ना कि तो लगता है घर वाले बिल्कुल नहीं बना देते। मैं स्काउट रहा हूँ, स्काउटिंग में कुकिंग एक बड़ा उसका अहम पार्ट है। बिल्कुल सही। तो ख़ास कोई पसंद है आपकी, दोपहर शाम रात किसी वक्त कौन सी सब्ज़ी, कौन सा गोश्त, क्या पसंद करते हैं, फल कौन सा अच्छा लगता है? फलों में आम है, मैंगो और देसी मुर्गी, ये मेरी पसंदीदा खुराक है।
लोधी साहब के साहबजादे तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे जानते हैं कि उनके अपने वालिद साहब के हवाले से हमें कुछ बताएं, क्या ख़ास बात है? शहर में इतनी मोहब्बतें बांटते फिरते हैं, उनके वालिद साहब इल्म की रोशनी फैला रहे हैं, बहुत बड़ी तंजीम के चेयरमैन हैं, लेकिन घर को भी वक्त दे पाते हैं। कंवर साहब बताइएगा, आपके वालिद साहब आपकी नज़र में। बाबा से तो मेरे मुलाकात अब तो बहुत कम होती है, क्योंकि सुबह सुबह जब बाबा उठते हैं मैं सोया होता हूँ, जब बाबा चले जाते हैं मैं तब उठता हूँ, फिर जब मैं वापस आता हूँ तो बाबा घर नहीं होते। ये आज बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला कि हम इकट्ठे नाश्ता कर रहे हैं। अरे वाह, ये बड़ा अजीब गरीब शेड्यूल है आपका, ये सारी मोहब्बतें बाहर मानते हैं, घर वालों को टाइम नहीं मिलता फिर? बस इनको बचपन में दे दिया जी, इनके बचपन में, अपने बचपन में नहीं। बस छोटे, लेकिन फिर भी आप वो इधर हों या ना हों, आपको उनकी मोहब्बत का एहसास होता रहता होगा। बिल्कुल होता रहता है, आपकी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं और आपकी जो एक जज्बाती ज़रूरतें होती हैं जो आपको एक बाप को बेटे के लिए करनी चाहिए, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, एक एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दी, मतलब नाजायज़ ख्वाहिशात नहीं, जायज़ ख्वाहिशात सारी। नहीं, वो आपकी अभी शादी करवा देंगे, कोई बात नहीं। वो आपकी जायज़ ख्वाहिश होगी, वो आप जहाँ कहेंगे दरखल करवा देंगे, ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि अच्छी जगह हुई तो ज़रूर। मरखल मुसलत नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, मुसलत करने वाली बात नहीं, अपना बदला तो नहीं लेंगे, जैसे हम तो घर वालों ने मुसलत कर दिया। तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि माजी से सबक सीखना चाहिए। कोई ख़ास चीज़? हर शख्स में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, लोधी साहब में ऐसा क्या है? ईमानदारी, डे वन से मेरा इख्तलाफ भी रहा है कि इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी और बहुत ज़्यादा ईमानदारी, मतलब मैंने सीखा भी है, यही सीखा है ईमानदारी। नईम साहब, ये लोधी साहब कहते हैं कि मुझे बहुत शदीद संगीन किस्म के मसाइल का सामना हो गया था हेल्थ के हवाले से, तो आप अभी सिर्फ 15 दिन हुए और कहते जब दूसरे दिन आए तो मेरे यूं लगा मुझे कभी मसला था ही नहीं, ये आपके हाथ में ऐसा क्या है कि आपने लोधी साहब जैसे बंदे को भी जो बड़ी मुश्किल से ठीक हो सकते हैं उनको फौरन ठीक कर दिया? सर, इनका जो प्रॉब्लम है वो था, इनकी ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम था, और योग जो है वो मस्कुलर कोई भी फ्लो हो ब्लड का उसको बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम क्योंकि प्रॉपर इसकी सर्कुलेशन को जानते हैं बॉडी को, तो इसलिए मुझे इसको करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और लोधी साहब से ताल्लुक़ तो सालहा साल से है, लेकिन जब बीमारी इनको आई तो उस वक्त भी इनसे इतना जो है वो करीब नहीं हो सके जितना फिर अब जो है, मतलब इनको जब इन्होंने डिस्कस किया कि मेरे स्वेलिंग है और ये, फिर मुझे कहा, मैंने कहा कि भी आप बेफिक्र हैं, ये कोई मसला ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रहमत की, और फिर ये मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो है ना इंसान की नीयत भी होती है, कभी भी इंसान को अगर नीयत की सफाई हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं।